आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। बरेली के बड़ा बाईपास के पास रजऊ पर गोंडा जा रही बस की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें बस का डीजल टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। इसमें 22 यात्री जिंदा जल गए तो वहीं हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। तो वहीं हादसे पर प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो साथ ही सीएम योगी ने भी संवेदनाएं जताई हैं और सहायता राशि का ऐलान किया है। लगभग 1:15 बजे के बीच में सूचना आई थी कि एक रोडवेज की बस जो दिल्ली से गोंडा जा रही थी, उसमें और एक ट्रक में टक्कर हुई है, जिससे बस की टैंक फट गई और ट्रक और बस दोनों में आग लग गई। अभी तक जो प्राप्त जानकारी हम लोग इकट्ठा कर पाए हैं, उस बस में लगभग 37 आदमी सवार थे, जो आरएम रोडवेज ने बताया है। उसमें 16-17 आदमी इंजर्ड जितने थे, थोड़े बहुत कुछ को मामूली बर्न इंजरी थी उनको जो है, और कुछ को ग्रीव बर्न इंजरीज थी उनको जो है अस्पताल में भेजा गया है। और बाकी लगभग 18 से 20 लोग अंदर जले हुए थे। काफ़ी मशक्कत के बाद जो है बस और ट्रक को की आग बुझाई गई है और अभी तक हम लोग लगभग 18 डेड बॉडीज इवैक्यूएट कर पाए हैं और चेक किया जा रहा है। लगभग 2-3 डेड बॉडीज अंदर होने की संभावना बताई जा रही है। आपने पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी देखा है और हम लोग निरंतर रात भर सभी लोग लगे रहे और जो है बस आधे घंटे में संभवतः रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त की जाएगी। जालौन पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्कर बीते 6 माह से फरार था, जिसके खिलाफ अब पुलिस ने 2,500 का इनाम भी रखा था। तो तस्कर की गिरफ्तारी जालौन के चुरखी रोड से की गई। इस मामले में एसपी के निर्देश पर 900 लीटर शराब के साथ 313 ब्रांडेड क्वार्टर बरामद किए गए, तो 159 विदेशी शराब भी बरामद की गई। इसी के साथ आरोपी कई थानों में 12 मामलों में वांछित था। मुकदमा 10/17 में जो कि 420/67/68/71 धोखाधड़ी और 272/273 IPC आबकारी अधिनियम 272/273 आपकी जानकारी के लिए IPC की वो धाराएं जो मिलावटी शराब को क्रय करने बनाने में हैं और ये बहुत ही कठिन धारा है। सामान्यतः जो शराब पकड़ी जाती है अगर वो मिलावटी नहीं होती तो उसमें नहीं लगती। तो गंभीर आरोपों में वांछित था और सूचना मिलने पर हमने इसको कल गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर के सेकुई गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में 3 माह पूर्व एक केंद्र बना था, जिसमें ठेकेदार की तरफ से गुणवत्ता में खामियां पाई गईं। तो यहां दरवाजे के साथ फर्श भी नहीं है, ऐसे में बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो वही अधिकारी ऐसे में खामोश हैं। ना ही ना दो मीटर से जोड़ी गया है, 7-1 का मसाला लगा है और छत में 2 सूत का सरिया पड़ा है। तो एक शिकायत आप और क्यों उसकी हो? प्रधान जी का बुला रहे हैं, प्रधान जी का कान के फर्जी कागज दिखाने ठेकेदार, वही प्रधान जी मान गए और आंगनबाड़ी वाले आ रहे हैं, उन्होंने पचन वह कागज देख कर मान गई हैं। सिद्धार्थनगर की विशेष पुलिस टीम ने अवैध तरीके से बिना नंबर की ट्रक ले जाए जा रही 9 टन धान सहित एक को मैट ट्रक की हिरासत में लिया। तो पकड़े गए धान की कीमत 1,50,000 रुपये बताई जाती है। श्रावस्ती के मल्लीपुर में थाना दिवस के मौके पर 45 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 5 का मौके पर निस्तारण हुआ। तो वहीं शेष अन्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी के साथ अन्य लोग मौजूद थे। सूबे के राज्यपाल राम नाईक बिजनौर के कॉलेज में आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे। तो उन्होंने पिछली सरकार और सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था पर कहा कि पिछली सरकार भी मेरी थी और ये सरकार भी मेरी है, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। इस मौके पर महंगी शिक्षा व्यवस्था पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सभी का मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये मूलभूत अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। अब इस मूलभूत अधिकार को व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी सभी की है, सरकार की है, नागरिकों की है, और केवल सरकार या केवल नागरिक अकेले में ये काम नहीं कर सकते। रामपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सामाजिक संस्थाओं ने पौधारोपण कर जागरूकता का संदेश दिया, तो लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने की अपील की गई। देवती मोती अकादमी में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया। तो इस मौके पर स्कूली बच्चों को पौधे का महत्व समझाकर उनसे वृक्षारोपण कराने की बात को कहा गया।
समस्तीपुर के कल्याणपुर में पुलिस ने शराब कारोबारी को हिरासत में लिया तो इनके पास से 5 मोबाइल के साथ 1,30,000 रुपए की नकदी और मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। तो सभी के पास से कोई शराब बरामद नहीं हुई तो इन पर कार्रवाई की गई है। बवासीर का पक्का इलाज, खूनी हो या बादी, एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर एएम त्यागी, संपर्क करें 9758415216 9412803030। MSC क्लिनिक, कमालपुर रोड, गोकलपुर गर्ल रोड, मेरठ।